स्टूडेंट हम लोग स्टडी करके आए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, ठीक है। इनिशियल फर्स्ट वन क्या है, फैराडे एक्सपेरिमेंट। यहां पर देता है क्लू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कोई चीज है जिसकी वजह से करंट पास हो किया जा रहा है। अब इसमें इनिशियली सबसे पहले जो साइंटिस्ट सब होता है डेवी, यहां पर डेवी ने ऑब्जर्व किया कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें से अगर करंट पास करें तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपीयर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दो सब्सटेंसेस या दो सॉल्यूशन विच हैज एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, और जिन सॉल्यूशन में एबिलिटी नहीं होगी करंट पास करने की वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है इसकी वजह क्या है, वो कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसकी वजह से करंट पास किया जा रहा है या जिसकी वजह से करंट पास हो जाता है। तो बेसिक पर्पस, अच्छा यहां पर बेसिक पर्पस कोई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है। जब भी कोई साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करने के लिए जा रहा होता है तो उसका एक खास बेसिक पर्पस होता है, ठीक है। अभी क्या है कि वो क्या कंडीशन है जिस पर लिक्विड में से करंट पास हो, इसी तरह वो क्या कंडीशन है इसमें गैसेस में करंट पास हो, वो क्या कंडीशन होती है इसमें सॉलिड में करंट पास होता है, नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर लिक्विड की बात करें और सॉलिड की बात करें और गैसेस की बात करें, तो लिक्विड में अगर फ्री आइंस होंगे तो करंट पास होगा, ठीक है। सॉलिड NaCl में से करंट पास नहीं हो सकता क्योंकि NaCl क्या होता है, कंबाइन स्टेट के अंदर, तो मोल्टन NaCl में करंट पास हो जाएगा। सॉलिड में से करंट किन कंडीशन पास होता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए, अगर सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल मेटल्स, मेटल है एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉलिड में कंडीशन ये है फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो करंट पास होगा। गैसेस में कंडीशंस क्या है, गैसेस में फ्री आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी नहीं है, लो प्रेशर के ऊपर, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, ये पढ़ेंगे डिस्कवरी हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां पर भाई, कैथोड एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो ये वो कंडीशन है जिस पर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर करंट पास होने देगी, लिक्विड में से फ्री आयंस की वजह से, सॉलिड में से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और गैसेस आर कंडक्टर एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। अब इनिशियली दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड बाय साइंटिस्ट डेवी, द बेसिक पर्पस के लिक्विड में से करंट किन कंडीशन के ऊपर पास होता है, वो क्या कंडीशन है, वो कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल है जिनकी वजह से करंट पास होगा। तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट है, और पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशंस, ये स्टार्ट किया है भाई डेवी ने। डेवी नोटिस दैट सम इलेक्ट्रिक चार्ज अपेयर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसने ये नोट डाउन किया कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करें एक चार्ज अपेयर होता है। अब इसकी वजह क्या है ये नहीं मालूम, ठीक है। लेटर ऑन दिस एक्सपेरिमेंट इज फर्दर स्टडीड बाय फैराडे। अब जहां कहीं भी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे वहां पे किसका नाम आएगा, फैराडे का। लोअर क्लासेस के हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ स्टडी कर चुके, ठीक है। तो यहां पे फैराडे एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्लू दे रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी यहां पर भी नहीं है, यहां पर क्या क्लू दे रहा है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से करंट पास हो रहा है। तो इनिशियली फैराडे ने क्या किया भाई, एक कंटेनर लिया, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें दो मेटालिक प्लेट लगा दी। आप मेटालिक प्लेट क्या होती है, सिंपल इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है भाई इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, सिंपल मेटालिक प्लेट्स। एक मेटालिक प्लेट इज कंबाइन विद पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो इन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो आपके पास प्लेट जिसका पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको हम कहेंगे एनोड, द प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। एक बार याद रखिएगा, कैथोड पे हमेशा डिपोजिशन होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होगी डिपोजिशन, और एनोड पे हमेशा क्या होगी लिबरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैथोड पर डिपोजिशन होगी, एनोड पे क्या होगी लिबरेशन, इसका मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मास ऑफ कैथोड विल बी इंक्रीज क्योंकि डिपोजिशन हो रही है इसके ऊपर, और मास ऑफ एनोड रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्योंकि ना पर यहां पर कोई डिपॉजिट हो रही है और ना ही ये ब्रेक डाउन हो रहा है अपने आइंस के अंदर। इसका मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मास ऑफ कैथोड इंक्रीज क्योंकि डिपोजिशन की वजह से। अब इसमें ले लिया गया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्या है भाई इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट हमें मालूम है कि दो सब्सटेंसेस विच हैज एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट, वो तमाम चीजें इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने की एबिलिटी हो वो क्या है भाई इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फ्री आइंस। अब यहां पर ये पूरा सेटअप लगा दिया किसने, फैराडे ने, और ये फेनोमेना परफॉर्म किया किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, तो
लाइसिस ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. अगर किसी भी सब्सटेंस से करंट पास किया जाए वो सब्सटेंस अपने इंग्रेडिएंट में अपने कंपोनेंट्स में अपने आइंस में अपने अपोजिट चार्जेस में ब्रेक डाउन हो जाए तो वो चीज क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. अच्छा भाई नेक्स्ट इसके बाद ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है ये. इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपल वर्ड में किसे कहते हैं? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैटायन और एनायन का अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने का प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. इट मींस दैट मूवमेंट ऑफ कैटायन और एनायन टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन. द आइन मूव टुवर्ड्स कैथोड इज कॉल्ड कैटायन. कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज तो कैटायन हैज पॉजिटिव चार्ज. एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड तो जो एनायन होगा एनोड पॉजिटिव चार्ज एनायन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज. तो मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. अब ये फ्राइडे ने ऑब्जर्व करना था कि वो कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनकी वजह से करंट पास हो रहा है. तो उसे नोट डाउन किया कि वो क्या क्या चीजें हैं कि वो उनको नोट डाउन कर सकता है. पहली बात डिपोजिशन और लिब्रेशन को वो एग्जैक्टली क्योंकि ये एक तरीके से नैनो स्टडी है वो नोट डाउन नहीं कर सकता. इसने पूरे सर्किट में देखा क्या हो रहा है भाई. इसने देखा कि भाई ये जो कैथोड है इसका मास इंक्रीज हो रहा है डिपोजिशन हो रही होगी एनएनएस के ऊपर. ठीक है. तो इसके बाद एक ही कंडीशन थी इसके पास था ऑन ऑफ का बटन. सर्किट को ये इनकम्प्लीट कर सकता है बस. मतलब ये टोटल जो पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज दिए जा रहे हैं ये टोटल जो चार्ज पास हो रहा है ये जो चार्ज पास हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कूलम क्यू ये क्यू को नोट डाउन कर सकता है कि एक कूलम चार्ज पास हो रहा है दो तीन चार आठ दस. ठीक है. तो इनिशियली इसके एक्सपेरिमेंट को जरा हम एक नरेशन फॉर्म के अंदर लेके आते हैं. तो कैथोड का मास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो यहां पर लगा दिया हमने एक बैलेंस फिजिकल बैलेंस जिसको हम सिंपल क्या कहेंगे भाई एक ऑटो का बैलेंस लगा दिया जो कि मास नोट डाउन कर रहा है. मास नोट डाउन करने के लिए एक बैलेंस लगा दिया. अब इनिशियली फर्स्ट कर लिया कि जो इनिशियल मास है वो कैथोड का कितना है 200 ग्राम. फर्स्ट कर लिया हमने इनिशियल मास कैथोड का कितना है 200 ग्राम. अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस का फेनोमेना परफॉर्म होगा मास ऑफ कैथोड क्या होगा? इंक्रीज ड्यू टू डिपोजिशन. अब वापस जरा एक टॉपिक की तरफ चलते हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 amu. तो हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना होगा? 1 ग्राम. इफ एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मुला मास ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल. किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम जाहिर कर दें ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो वो जिसका कहलाती है मोल. इसका मतलब कि हमारे पास एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का हमने रिप्रेजेंट किया किसके अंदर? ग्राम में. इट कॉल्ड मोल. 1 mole ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 ग्राम. ठीक है. सेम एज इट इज अगर सिल्वर है हमारे पास सिल्वर मास ऑफ सिल्वर इज 27 amu. इट मीन दैट 1 mole ऑफ सिल्वर कंटेन 10 grams 27 grams. किसी भी सब्सटेंस का जो एटॉमिक मास होगा अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे विद इज कॉल्ड मोल. 1 mole ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 ग्राम बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. 1 mole ऑफ सिल्वर कंटेन 27 grams बिकॉज 1 mole ऑफ सिल्वर कंटेन 27 amu. 27 amu को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें? ग्राम्स में. विद इज कॉल्ड 1 mole. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो कैथोड है किस चीज का है? सिल्वर का. सिल्वर का कैथोड है और सिल्वर के एक मोल का मास कितना है? 27 grams. जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो कैथोड पर डिपोजिशन होने की वजह से मास इंक्रीज. कूलम्स नोट डाउन कौन कर रहा है भाई फैराडे कि कितने कूलम्स पास हो रहे हैं. जैसे ही फाइनल मास पहुंचता है 227 ग्राम्स के ऊपर यहां पर फैराडे क्या कर लेता है? सर्किट ऑफ और नोट डाउन करता है एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 96565. ठीक है. हम राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 96500. इट मीन दैट एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पास करने पर अगर डिफरेंस ले मास का तो कितना डिफरेंस आ गया? 27 ग्राम. 27 ग्राम क्या था? 1 mole ऑफ सिल्वर. इट मीन दैट 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पास.
किसी भी सब्सटेंस का एक मोल डिपोजिट होता है कब, जब एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पास किया जाता है, ठीक है। जितनी डिपोजिशन होगी उतनी क्या होगी लिबरेशन, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज थ्योरी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मस्ट बी सेम। इट मींस दैट इलेक्ट्रोलाइट इज ओवरऑल न्यूट्रल, इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल होता है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ चुके हैं हम लोग। जितने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इट मींस दैट जितनी डिपोजिशन होगी उतनी क्या होगी लिबरेशन होगी। तो यहां पर हम इसके निरेशन इस तरीके से बना सकते हैं। इससे पहले फैराडे ने क्या किया, एक चीज बता दी भाई कि 1F1 फैराडे विल बी इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज, 1F1 फैराडे विल बी इक्वल टू 96500 कूलम चार्ज। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमने नोट डाउन किया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड व्हेन, कब, व्हेन एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पासेस। इसका मतलब इस चीज को जरा वर्डिंग में लिखते हैं किस तरीके से। अभी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया अकॉर्डिंग टू फैराडे एक्सपेरिमेंट, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड कब, व्हेन एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पासेस। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे एक्सपेरिमेंट 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड व्हेन एग्जैक्टली 96500 कूलम चार्ज पासेस। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल, इट मीन दैट 1 मोल कैन बी रिप्लेस बाय एनए पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एनए पार्टिकल्स, तो इसको लिख सकते हैं एनए पार्टिकल्स, एनी मीन्स एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। हमें को निकालना है एक एलिमेंट्री पार्टिकल का चार्ज, एनी पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड कब, व्हेन एग्जैक्टली 1F चार्ज पासेस। जैसे हमने इसको नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया कि एनए पार्टिकल की डिपोजिशन होगी या लिबरेशन होगी कब, व्हेन एग्जैक्टली 96500 कूलम को रिप्लेस कर दिया एफ से। अब हमें यहां पर एक पार्टिकल के लिए चाहिए चार्ज, वन पार्टिकल की बात करें तो ये एनए जाके डिवाइड होगा। वन पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिट और लिबरेट कब, व्हेन एग्जैक्टली एफ ओवर एनए चार्ज पासेस। एफ ओवर एनए रिप्रेजेंट फॉर मल्टीपल चॉइस इलेक्ट्रॉन, F ओवर Na रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर रोटेशन बन गई, वन पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड व्हेन एग्जैक्टली F ओवर Na चार्ज पासेस। जब F की वैल्यू पुट डाउन करते हैं 96500 और Na 6.02 एक्सपोनेंट 23, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम चार्ज। इट मींस दैट वो एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से करंट पास हो रहा था उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर सॉल्यूशन में पास हो रहा है तो वो कौन सा एलिमेंट्री चार्ज है, वो क्लू दिया गया कि इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है। इसे भी बताया गया है वो एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से करंट पास किया जा रहा है या करंट पास हो रहा है वो एलिमेंट्री पार्टिकल पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। इसका मतलब फैराडे एक्सपेरिमेंट में इनिशियली सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एक साइंटिस्ट डेवी ने, ठीक है। डेवी जस्ट नोट डाउन दैट एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होता है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस फ्रॉम सॉल्यूशन। इसने नोट डाउन किया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होता है जब हम करंट पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। फर्दर इसकी डिटेल में स्टडी किसने की, फैराडे ने। और फैराडे ने एक तरीके से क्लू दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बता दिया भाई, वो एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से करंट पास हो रहा है वो एलिमेंट्री पार्टिकल पे चार्ज कितना है, 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कवरी की तरफ आएंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, क्रूक्स ने। क्रूक्स ने भी इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। 1891 में एक साइंटिस्ट था स्टोनी, स्टोनी ने एक एलिमेंट्री पार्टिकल की डिस्कवरी की, दैट इज इलेक्ट्रॉन।
अच्छा हम लोग पढ़ेंगे अभी कैथोड एक्सपेरिमेंट के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जब भी कोई पार्टिकल डिस्कवर होता है तो उसका ई बाय एम रेशो लिया जाता है। ई बाय एम रेशो का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। कैथोड के रेडिएशन का ई बाय एम रेशो निकाल दिया गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक तरीके से पहले, यानी कि नाम देने से पहले। जब 1891 में एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ जो स्टूनी ने किया साइंटिस्ट, उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। जब उसका ई बाय एम रेशो निकाला गया तो ई बाय एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम विल बी इक्वल्स टू ई बाय एम रेशो ऑफ कैथोड। इसका मतलब कैथोड रेडिएशन, इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्रूक्स ने की लेकिन नेम किसने दिया, स्टूनी, ठीक है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कनेक्ट होता हुआ चलता हुआ आ रहा है। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ लिया कि फैराडे ने एक एलिमेंट्री पार्टिकल जिसकी वजह से करंट पास हो रहा है, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दी 1.602 एक्सपोनेंट -19 कूलम। यही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और यही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है। और एफ और एन ए रेशियो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इट विल बी कम्स इन मल्टीपल चॉइस। एफ और एन ए रेशियो रिप्रेजेंट चॉइस ए बी सी डी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और नन ऑफ दी। तो F और Na रेशियो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने पढ़ लिया फैराडे एक्सपेरिमेंट, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय कैथोड एक्सपेरिमेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।